स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट वे टेक क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट ये 3x4 मैट्रिक्स, 3x4 मैट्रिक्स। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, अब फर्स्ट पार्ट जो इसमें दिया हुआ है उसके लिए ए आई जे इज इक्वल टू है 1/2 मॉड में -3i+j। इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग जनरल एलिमेंट दिया है ए आई जे एथ एलिमेंट और इसकी वैल्यू ये है, इसके अकॉर्डिंग हमें 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। स्टूडेंट फर्स्ट वी लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे 3x4। अब इसे जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा हमें a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34, ये ऑल एलिमेंट्स इसके हो गए और ये मैट्रिक्स आपकी 3x4 की बन गई है। अब इनके एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये दिया हुआ है रिलेशन। नाउ वी सॉल्व a11, तो a11 मीन्स i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। अब इसी में पुट करना है हम लोगों को। देखिए वैल्यू पुट करेंगे 1/2 -3 × 1+1, सॉल्व कर देंगे तो 1/2 × 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट ये 1, 2 के लिए भी वैल्यू पुट करिए, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, इसमें रखिए सॉल्व करेंगे। देखिए इस मॉडलस मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 1/2 × 1 दैट इज 1/2 हो गया। 1, 3 के लिए आप सॉल्व करेंगे, आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 3 हो गया, 3 कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/2 × 0 दैट इज 0। नेक्स्ट 1, 4 रखिए, देखिए तो -3 + 4 हो जाएगा 1 आ जाएगा, दैट इज 1/2, क्योंकि ये मॉड में है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा ही। 2, 1 तो 1/2 ये क्या हो गया 3, 2 जा 6, 6 + 1 तो यहाँ क्या मिलेगा -5, बट ये क्या है मॉड लगा हुआ है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो रिजल्ट क्या आया 5/2। a22 वैल्यू पुट करें एंड सॉल्व करें, 6 माइनस में है +2 है तो 4 हो जाएगा, 1/2 × 4 इज इक्वल टू क्या मिला 2 मिला। नेक्स्ट एलिमेंट होगा a23, इसको भी रख करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2 × 3 देयरफॉर 3/2। अब 2, 4 के लिए देखिए नेक्स्ट एलिमेंट 2, 4, 2, 4 मीन्स 1/2, वैल्यू रखेंगे -3 × 2 + 4 दैट इज 1/2 × 2 इज इक्वल टू 1। अब थर्ड रो के एलिमेंट यहाँ पर क्या क्या है 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, इनकी वैल्यू रखिए, आई की वैल्यू क्या होगी 3, जे की वैल्यू क्या हो गई 1, पुट करिए सॉल्व करेंगे आपको क्या मिला 4। फिर 3, 2 के लिए सॉल्व करिए 7/2, 3, 3 के लिए सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 3, और 3, 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो 5/2। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई है, इसे पुट कर दें ये में तो हमें ये मैट्रिक्स आपको इस तरह से मिल जाएगी जिसका ऑर्डर क्या है 3x4। इस तरह से कोई भी जनरल एलिमेंट अगर दिया गया रहेगा तो हम मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। दो मैट्रिक्स इसमें इक्वल दी गई हैं, इसमें कुछ वेरिएबल्स दिया हुआ है, उन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए गिवन मैट्रिक्स है x+2, 2, 5+z, xy, ये मैट्रिक्स ये है इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है 6, 2, 5, 8। इसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखें इस प्लेस पे 2 यहाँ पर भी है, इसमें भी यहाँ 2 है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। अन्य एलिमेंट को आप इक्वल करिए तो सबसे पहले देखिए इस प्लेस पे 5+z है, यहाँ पर क्या है 5, इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो हमें z इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, एक वेरिएबल मिल गया। नेक्स्ट x+y इज इक्वल टू क्या मिला 6, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए एंड xy इज इक्वल टू 8।
इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना दीजिए। अब हमें ये दो वेरिएबल जेड की वैल्यू तो मिल चुकी है, बट एक्स प्लस वाई और एक्स वाई इक्वल टू सिक्स, ये हमें दो इक्वेशन मिल रहा है। इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इज इक्वल टू एक्स को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या मिलेगा, सिक्स माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ वी पुट y इज इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट एक्स इंटू सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एट, एक्स इंटू सिक्स माइनस एक्स ये इसमें पुट कर रहे हैं एक्स वाई इज इक्वल टू एट में इक्वेशन सेकेंड में, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाई कर लो, सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट, ट्रांसफर करने के बाद ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब इसे फैक्टराइज करना होगा, इस फैक्टराइजेशन में आप देखें एट का फैक्टर फोर और टू होगा, फोर और टू ऐड होगा तो सिक्स हो जाएगा, देयरफोर फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट, इन दोनों से एक्स कॉमन करेंगे। नाउ वी फाइंड x तो x माइनस फोर माइनस टू कॉमन करेंगे तो ये भी x माइनस फोर, फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू हमें फोर मिली और क्या मिली टू। अब देखिए x की ये वैल्यू लीजिए और किस में रखेंगे, यहाँ थ्री में, ये जो आपका इक्वेशन नंबर थ्री है, तो इफ x इज इक्वल टू फोर देयर फोर y इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू, इफ एक्स इज इक्वल टू टू देन वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर, हैंस वी गेट एक्स इज इक्वल टू फोर देन वाई इज इक्वल टू टू एंड जेड इज इक्वल टू जीरो, वैन एक्स इज इक्वल टू टू देन वाई इज इक्वल टू फोर एंड जेड इज इक्वल टू जीरो। थैंक यू।